नमस्कार दोस्तों, आजकल पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सीरियस है इस बात को लेके फिलहाल। और बहुत सारी वीडियोस में बताया गया है कि कैसे आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं पैन कार्ड से। 1,000 रुपए का आपको चालान देना पड़ेगा। बस 1,000 रुपए का चालान आपने भर दिया, इसी से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा। वीडियोस में आधी अधूरी जानकारी मिल रही है, असली सच नहीं पता चल रहा। तो भाई अगर आपने चालान भी भर दिया उसके बाद भी अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो आपको इसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। वो क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं, ताकि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से सक्सेसफुली लिंक कर सके। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं साइड में सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाता रहूंगा कि आपको क्या क्या करना है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का चालान भर दिया, चालान भरे हुए आपको 2-3 दिन 4 दिन भी हो गए, कितने भी दिन हो जाएंगे, लेकिन आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। आप कैसे चेक कर सकते हैं? सेम प्रोसेस है, आपको गूगल पे जाके इनकम टैक्स लिखना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, लिंक आधार स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन खुली है, सेम ऐसा एक आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। उसमें आपको अपना पैन कार्ड डालना है, अपना आधार डालना है और नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आएगी, इस पर लिखा रहेगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने लिखा आएगा कि भैया पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। अब आप कहेंगे भाई चालान भी भर दिया और 4-5 दिन में हो जाना चाहिए था, ज्यादा टाइम हो गया उसके बाद भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अभी लिंक नहीं किया, सिर्फ चालान ही भरा है। चालान भरने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब आपके पास चालान भरने के 2-3 दिन बाद या तुरंत भी आप इसको कर सकते हैं, चालान भरने के बाद जब आप इसको वापस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक आधार जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है इस पे आपको वापस से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस एक ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें आपको वापस अपना पैन नंबर डालना है और वापस से आधार नंबर डालना है। डाल के नीचे एक ब्लू कलर की लाइन पर लिखाएगा वैलिडेट, यानी आपको जो अपना पेमेंट है उसको भी वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये लिखाएगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, यहाँ पे ये लिखाएगा। इसके बाद नीचे कंटिन्यू का जो नीला बटन है इस कंटिन्यू के बटन पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद वापस से आपका लिंक आधार यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे आपका पैन नंबर और आधार नंबर दोनों दिखाएगा ऊपर, जो मैंने फिलहाल थोड़ा ब्लर कर रखा सिक्योरिटी से, बट ये दिखाएगा। इसके बाद आपको नेम एज पर आधार या आपके आधार पे जो आपका नेम है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि उस पर OTP भी आएगा। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका बर्थ का ईयर है, ओनली पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो आप एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल, तो आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी, आप नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको जो ग्रे कलर का लिंक आधार दिख रहा है ये ब्लू कलर का हो जाएगा और फिर आपको इस पर भी क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आपको दिखाता हूँ। आएगा भाई साहब आपके मोबाइल नंबर जो एक्टिव आपने डाला उस पर जाएगा OTP और OTP का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आपके पास OTP आ जाए आप OTP यहाँ पे भर दीजिए। OTP भरने के बाद ये जो वैलिडेट ग्रे कलर का था ये हो जाएगा ब्लू कलर का, जैसे नीचे आपको दिख रहा है। इस वैलिडेट पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, यानी अब आपकी एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हुई है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की। और जब ये लिंक करने की जब सबमिट हो जाएगी इसके 4-5 दिन बाद जब आप चेक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक हुआ मिलेगा। लोग यहाँ पे सिर्फ आपको यहां तक बता रहे कि बस चालान भर दो, चालान भरने मात्र से आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिक लिंक नहीं होगा, आपको वैलिडेट भी करना पड़ेगा। ये पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।